तुमने जब आरटीआई में जानकारी प्राप्त करी राजस्थान सूचना आयोग से कि पिछले 10 साल में कितना जुर्माना बकाया चल रहा है, तो वहाँ से हमारे पास जानकारी आई कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए 10 साल से अभी तक बकाया चल रहे हैं, जिनकी वसूली के लिए उन्होंने कोई खास प्रयास नहीं किए। तनिष्क प्रेजेंट्स उत्साह। आज जिंदगी को त्योहार जैसा मनाना है, आज दिवाली का बहाना है। पाएं 20% तक छूट सोने के आभूषण की बनवाई और हीरे की खरीद पर। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स एट इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। जी हाँ, देखिए मामला जो है सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो जुर्माने लगते हैं लोक सूचना अधिकारियों पे, उन जुर्मानों की वसूली को लेके ये मामला है। मामला इस प्रकार से था कि ये लोग जो लापरवाह लोक सूचना अधिकारी होते हैं, ये पहली बात तो सूचना देते नहीं है, देने के बाद भी इन पे जो जुर्माना लगता है ये जमा नहीं कराते हैं। जब हमने पिछले साल ये मुहिम शुरू करी कि आखिर के ये मामला क्या है कि इतने साल हो गए, तो हमने जब आरटीआई में जानकारी प्राप्त करी राजस्थान सूचना आयोग से कि पिछले 10 साल में कितना जुर्माना बकाया चल रहा है, तो वहाँ से हमारे पास जानकारी आई कि लगभग 2.5 करोड़ रुपये 10 साल से अभी तक बकाया चल रहे हैं, जिनकी वसूली के लिए उन्होंने कोई खास प्रयास नहीं किए। तो इसको लेके फिर हमने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका पेश करी। माननीय हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं पूनम चंद जी भंडारी, उनके मार्फत जनहित याचिका हमने पेश करी। तो 7 दिसंबर को वो हमारी याचिका एक्सेप्ट करते हुए उच्च न्यायालय ने राजस्थान सूचना आयोग को डायरेक्शन दिए कि ये जितने भी जुर्माने बकाए हैं 2.5 करोड़ रुपये, इनके जल्द से जल्द वसूली की जाए। उसको लेके लेकिन फिर भी इनका रवैया जो है लापरवाहपूर्ण रहा। हमने मीडिया के माध्यम से समाचार प्रकाशित करे, आपके माध्यम से समय समय पर हम लोग ये बात उजागर करते रहे कि अभी भी वसूली नहीं हो रही है, बीच बीच में पत्राचार फिर करते रहे। तो आखिरकार अब मुख्य सचिव को मजबूर होकर एक मीटिंग करनी पड़ी और इस पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं सभी विभागाध्यक्ष को और जिला कलेक्टर को। महत्वपूर्ण विभाग कौन कौन से? जी हाँ, देखिए सबसे बड़ा विभाग है राजस्थान के अंदर पंचायती राज विभाग। इस विभाग पे 47 लाख रुपए बाकी हैं, अभी तक 10 साल से बाकी चल रहे हैं 47 लाख रुपए। इस तरह से करीब 1848 लोक सूचना अधिकारी है 43 विभागों के पूरे प्रदेश में, जिन पे 2.5 करोड़ रुपए बाकी चल रहे हैं। अजमेर की बात करें तो नगर निगम पे करीब 6 लाख रुपए अभी तक बकाया चलते हैं। पुष्कर नगर पालिका हुई, जिला कलेक्टर हुआ अपना, इन पे करीब ये बकाया चल रहे हैं। इन सब के लिए वसूली के लिए मुख्य सचिव महोदय ने मीटिंग लेके विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। उसमें मुख्य रूप से ये निर्देश दिए हैं कि पहला तो ये दिया है कि जितने भी लोक सूचना अधिकारी अधीनस्थ हैं उनसे वसूली करके 15 नवंबर तक राज्य सूचना आयोग में जमा कराई जाए राशि। दूसरा ये है कि जो भी पेंशनर्स हैं, जिनको पेंशन मिलती है, उनके वेतन आहरण वितरण अधिकारियों से को सूचित करके उनके पेंशन में से कटौती की जाए। तीसरा यह है कि जो अगर जिनकी डेथ हो गई है लोक सूचना अधिकारी हैं, उनकी जो लिस्ट बना के है वो 7 दिन में वो राज्य सरकार को सूचित करें। ऐसे लोक सूचना अधिकारी हैं जिनको किसी कारण से और किसी कारण से वसूली नहीं हो रही है, तो उनकी सूचना दी जाए। तो ऐसे ही एक निर्देश दिए हैं और ये सारे निर्देश इतने सख्त निर्देश हैं इसमें कि इनको 15 नवंबर तक डेडलाइन दी है कि इस डेडलाइन तक आपको अनिवार्य रूप से ये सारी वसूली करके आपको आयोग में जमा कराने और प्रशासनिक सुधार विभाग को इसकी सूचना देनी है। देखिए वैसे तो मुख्य सचिव के निर्देश बड़े सख्त हैं इसके अंदर, अगर फिर भी नहीं होता है तो हम पत्राचार करेंगे और नहीं तो फिर अवमानना याचिका हमें हाईकोर्ट में लगानी पड़ेगी इसके खिलाफ। जी तरुण अग्रवाल, अजमेर। गाड़ी की रिफ्यूलिंग के लिए है पेट्रोल पंप और बॉडी में एनर्जी रिफ्यूलिंग के लिए अजमेर में है द फूड पंप, जहां गुड फूड और गुड मूड के लिए है कैपेचिनो टॉप्ड विद डिलीशियस आर्ड एंड सिजलिंग पनीर टिक्का, सोया चाप, मोमोज, पोटैटो ट्विस्टर एंड मॉकटेल्स। द फूड पंप नाउ ओपन्ड बिहाइंड बीकानेर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर।